अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि हम टाइपिंग मास्टर प्रो, या आपके सामने शो हो रहा होगा कि टाइपिंग मास्टर प्रो के अंदर हम कैसे खुद से पैरा ऐड कर सकते हैं, और टाइपिंग मास्टर प्रो की मुकम्मल क्रैक की, और इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं, इसकी वीडियो मैं दूसरी वीडियो में लाऊंगा। अलग जो नई वीडियो आएगी हमारी कल आएगी इंशाल्लाह। और अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम टाइपिंग मास्टर प्रो के अंदर नया खुद से पैरा ऐड कैसे कर सकते हैं, या खुद से कस्टमाइज पैरा कैसे ऐड कर सकते हैं टाइपिंग मास्टर प्रो के अंदर। तो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैं आपको इंशाल्लाह पूरे का पूरा मैथड बताऊंगा कि आपने कैसे पैराग्राफ ऐड करना है, और अगर आपने टाइपिंग मास्टर प्रो 11 के अंदर अगर पैरा ऐड करना सीखना है तो उसके ऊपर मैं वीडियो अलग से बना चुका हूँ, या आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रही होगी, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इसके अंदर कैसे पैरा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ जी आपने जाना है, यहाँ से इंटर दबा के नेक्स्ट पे चले जाना है, या अपने यहाँ नाम पे क्लिक कर ले, नेक्स्ट पे चले जाए। यहाँ पर जो आपके सामने ये सारे के सारे लेसन आ रहे हैं, और ये आपके पास आ रहा है टाइपिंग टेस्ट, और ये लेसन क्रैक कैसे करने, अनलॉक कैसे करने, इसके ऊपर मैं वीडियो अलग से बना के अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ टाइपिंग मास्टर प्रो के लिए। टाइपिंग मास्टर प्रो 11 के लिए भी मैं कर चुका हूँ चैरिटी की के हवाले से, और इसकी मुकम्मल क्रैक जो आपके पास क्रैक की होगी लेसन की है, वो मैं आपको इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो अब आते हैं पैरे को अपलोड करने की तरफ। तो यहाँ पर आते हैं, आपने टाइपिंग टेस्ट में आना है। टाइपिंग टेस्ट में आने के बाद ये कुछ कस्टमाइज पैरे जो मैं खुद से ऐड किए हैं मैंने ऑलरेडी। अब यहाँ पर एक छोटा सा इशू आ रहा था बच्चों को ज़्यादातर, वो क्या आता है उसको भी हम रिजॉल्व कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर ऐड, यहाँ से हमने जाके पैराग्राफ ऐड करना है खुद से, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, यहाँ से हमारे ये पैराग्राफ आएगा, ये जैसे मैंने अपने डेस्कटॉप पे ऑलरेडी रखा हुआ है, आप इसको जैसे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने इस तरह का एक इशू आएगा, ये कैन नॉट ओपन द फाइल फॉर आउटपुट। तो ये यहाँ से इस तरह ऐड नहीं होगा, ये बार-बार बच्चों को बहुत मसला आ रहा था। तो मैं ये मसला भी रिजॉल्व अभी एक सेकंड में करता हूँ, और आपको पैराग्राफ ऐड करना भी सिखाता हूँ। तो आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने यहाँ पर आना है दोबारा टाइपिंग मास्टर प्रो पे, ये राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर आके लिखना है आपने, यहाँ पर क्लिक करना है आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर, आपने इसको ओपन करना है एज अ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर। जब इसको आप ऐसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप यस करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा अगेन से। अब आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करने के बाद जी आप यहाँ पर इंटर पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे जाएंगे आप यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के अंदर, और यहाँ पर जाकर अब आप कोई भी खुद से पैरा कस्टमाइज कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करना है, अब देखिए, फर्ज करें जी ये इस तरह की फाइल होती है आपके पास, इस तरह की फाइल, ये है, ये वर्ड की फाइल नहीं है, ये MS वर्ड की फाइल नहीं है, ये टेक्स्ट की फाइल है। ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप इस फाइल को डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में रख सकते हैं, उसके अंदर बार बार पैराग्राफ ऐड करके दोबारा अपने टाइपिंग मास्टर प्रो के अंदर ऐड कर सकते हैं खुद से पहले। जैसे कि हम इसको ओपन कर लेते हैं, जब हम इसको ओपन करेंगे कुछ इस तरह से हमारे सामने ये शोर है। अब इसके अंदर हम खुद से पैरा कैसे ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपने पहले कंट्रोल ए करना है, ये सारा हो जाएगा, इसको हमने बैक स्पेस कर देना, ख़त्म कर देना है। यहाँ पर हमने जाना है क्रोम के अंदर, गूगल क्रोम के अंदर जाएंगे, ये डॉन न्यूज़पेपर, ट्रिब्यून, दी न्यूज़, दी नेशन, जिससे मर्जी आप चाहें पैराग्राफ ऐड करना, तो आप उसमें जाएंगे, और उसमें जाकर हम ओपिनियन से या एडिटोरियल से कोई भी नया पैराग्राफ उठाएंगे और हम इसके अंदर ला के पेस्ट करेंगे जी। तो ये हमारे पास कोई भी ओपिनियन आ चुके हैं, ये हमारे पास आज 23 जून का ओपिनियन है, तो हम इसी में से किसी भी पैरे को ऑन कर लेते हैं, जैसे कि पास्ट लाइव्स पे ये कर लेते हैं हम, ये मुना खान है, ये भी बड़ा अच्छे एडिटोरियल लिखती हैं, ओपिनियंस लिखती हैं, तो हमने ये क्लिक कर लिया, इसको हम इसमें से हम कॉपी करेंगे। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जितना हमने पैरा ऐड करना है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम सेम जाएंगे जो हमारी पहले हमारी फाइल ऑन थी, इसमें जाके हम कंट्रोल वी कर देंगे, जब कंट्रोल वी करेंगे तो ये हमारे पास पेस्ट हो जाएगा। आप इसको राइट क्लिक करके भी यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से, अगर आप नहीं तो कंट्रोल वी से भी आप इसको पेस्ट कर लीजिएगा। ये करने के बाद आपने यहाँ से कंट्रोल दबाना है कीबोर्ड से, और एस दबाना है, तो ये आपके पास सेव हो जाएगा। जब कंट्रोल एस दबाएंगे तो ये आपके पास सेव हो जाएगा, इसको आप यहाँ से कर देंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद आप दोबारा जाएंगे डेस्कटॉप पर, अब ये देखें पहले आपके पास कोई और नाम से था, अब हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि जी हमने नया पैरा ऐड किया। हम इसका नाम रखते हैं गुड, तो इसको हम नाम रखते हैं गुड, गुड अच्छे वाला पैराग्राफ,
ये गुडम में लिख दिया है। अब हम चले जाते हैं जी वापस अपने टाइपिंग मास्टर प्रो के अंदर। अब हम यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद जी हम जाएंगे ये गुड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे। तो ये जी हमारे पास नया पैराग्राफ ऐड हो चुका है। अब मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ कौन से वाला पैरा हमारे पास आ गया। ये जी रहा गुड वाला पैरा, ये गुड वाला कस्टम, ये देखें कस्टमाइज पैरा है जो हमने खुद ऐड किया है। यहाँ से हम जब इसको स्टार्ट करेंगे तो ये जो अब हमने अभी अभी टेस्ट, ये वो पैरा जो हमने अभी अभी इसको ऐड किया है, तो आप इसकी यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये देखें ये जो कुछ इस तरह से वर्ड आ जाते हैं ना, ये टैलिक टीएम, ये आप खुद से नहीं लिख सकते, तो आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको स्किप मेथड करेंगे, मतलब आप इसको स्किप कर दिया करेंगे। आप इंटर लिखेंगे उसके बाद सेट लिखेंगे तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद वर्ड स्किप हो जाएगा और आप इसको यहाँ से आकर ख़त्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपको दोबारा बता देता हूँ, आपने हिंटन लिखना है, उसके बाद जब आप टाइप कर रहे हैं हिंटन लिखेंगे तो उसके बाद आपने डायरेक्ट सेट लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगा। इस तरह आप टाइपिंग टेस्ट के अंदर भी स्किप कर सकते हैं जी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बताया कि कैसे आप टाइपिंग मास्टर प्रो के अंदर खुद से पैरा ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे इसको क्रैक करना है। ये जैसे आप देख रहे हैं पूरे लेसन अभी आपके पास क्या है, ये सारे के सारे लॉग्ड हैं। आप उस टाइम जो है टाइम आप 2 मिनट से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकते और जितने भी आपके पास कोर्सेज हैं वो आपके पास सारे के सारे ये लॉग्ड हैं। तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा। दो में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।